लोग में से काफी बंदे यार रिडीम कोड करते रहते हैं, तो गईना फाइनली एक रिडीम कोड देने वाली है। मैं नहीं मानता, के बारे में बताऊंगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं यार, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है। अब यार इसलिए मजेदार है क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर नई नई चीजें दिखाऊंगा। FFWS का जो इंटरफेस होता है ना इवेंट का, वो तुम लोग को पता चलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड उसके अंदर कौन कौन सा फ्री का माल मिलेगा वो भी गाइस तुम लोग को पता चलेगा। और अभी तो रुको, रिडीम कोड जो आएगा FFWS का वो कब तक आएगा, उसमें भैया कौन से रिवार्ड रहेंगे भाई, कैसे कैसे मिलेगा, सब कुछ तुम लोग को पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड एंड तक देखने से भला यार 1K लाइक का टारगेट रहेगा। 1K लाइक बहुत ही कम होता है, मेरे को पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर व्यूज कम आ रहे हैं। व्यूज से मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम लोग यार बस दबा के सपोर्ट करो। नीचे देखो वहाँ पर लाइक का बटन रहेगा, लाइक का बटन को क्लिक कर देना। मेरे को व्यूज से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। मतलब 100-200 व्यूज आएंगे फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई कभी डिमोटिवेट नहीं होता, ठीक है। अभी चलो यार यहाँ पर पूछ, मतलब कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई तुमने जो ग्लिच बताया था वो यार रेड एंजेलिक पैंट जो है वो तो वापस गईना ने ले लिया, तो ग्लिच यूज करके क्या फायदा होता है। एंड देखो यार मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि यार गईना ने वापस लिया है, लेकिन यार यहाँ पर कोई आईडी बैन नहीं किया है। आईडी कभी भी बैन कर ही नहीं सकती यार, गईना जब खुद का ग्लिच है भाई, उनका ग्लिच हुआ एंड सबकी आईडी अगर बैन करने लगे ना भाई, उनकी ऑडियंस और कम हो जाएगी, हिटर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी भी गाइस यार वहां पर आईडी बैन नहीं होती, टेंशन मत तुम लोग लेना। एंड अगर तुम लोग पूछोगे कि भाई ग्लिच यूज करना अच्छी बात होती है या फिर नहीं, मतलब गलत बात होती है, तुम लोगों को मैं बता दूं, कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई यहां पर गलत बात होती है, ग्लिच को क्यों यूज करना। देखो ग्लिच यूज करना मानता हूं मैं गलत बात है, ठीक है, बहुत ही खराब बात है, नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन क्या गईना जो हमारे साथ करती है वो क्या सही है, तुम लोग खुद सवाल पूछो भाई। जब भी यार रिडीम कोड आता है ये लोग सर्वर क्रैश करा देते हैं हम लोग का, हमारे सर्वर के अंदर अच्छे इवेंट नहीं देते, हम लोग को कुछ फ्री में नहीं मिलता, तो भाई कभी कभार जब ग्लिच आएगा तो भाई हम लोग यूज करेंगे नहीं, हम लोग यार वो लोग जो हमारे साथ गलत करते हैं तो यार हम लोग का भी फर्ज बनता है कि भाई देखो गलत के साथ गलत करना सही है, हम लोग भाई अच्छा नहीं बनना, अगर अच्छा बनेंगे तो गईना वाले और लूटेंगे यार ये लोग को, भाई क्या बोलूं, मतलब यार हम लोग यार कुछ बोलते नहीं ना, इसलिए कहते हैं हमारे सर्वर के साथ ऐसा होता है। अभी देखो यहाँ पर ओबी का अपडेट भी नहीं दिया गईना वालों ने, अब ये लोग ना इंडियन सबको बहुत ही ज़्यादा हल्के मिले थे। अब यार यही चीज़ का मेरे को गुस्सा आता है, इसलिए जब भी मेरे को कोई ग्लिच पता चलता है, कोई भी फ्री रिवॉर्ड पता चलता है, चाहे वो कटाना का ग्लिच हो, चाहे वो पोकर MP40 का ग्लिच हो, चाहे वो मनी हाइस्ट में जो बंडल मिला था उस ग्लिच हो, मतलब सारा ग्लिच मैं तुम लोग को रिवील कर देता हूँ यार, जहाँ मेरे को पता चलता है, जैसे मेरे को पता चलता है टेलीग्राम पर डाल देता है, फिर सेकंड चैनल पर डाल देता हूँ। मेन पे इसलिए नहीं डालता क्योंकि गईना के मैं नज़र में आ चुका, गईना वाले मेरे पे स्ट्राइक मारने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डालता ही नहीं, सेकंड चैनल पर डाल के तुम लोग को मस्त बता देता हूँ। तो यही गाइस बात है, इसलिए गाइस मैंने बता दिया था। एंड तुम लोग भी कभी आईडी बैन होगी टेंशन मत लेना, आईडी बैन होने वाली चीज होती है तो मैं अपनी आईडी में क्यों अप्लाई करूंगा यार, टेंशन मत लो, आईडी वाईडी कभी बैन नहीं होती। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तुम लोग को दे देता हूं। तुम लोग में से काफी बंदे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई जो हमारा यहां पर BTS क्रिस्टल टोकन आया उसको एक्सचेंज करने के लिए हम लोग को नियॉन स्टिक टोकन चाहिए, ठीक है, वो जो लंबा लंबा जो डंडा वाला टोकन होता है ना वो हम लोग को चाहिए, बट हमारे पास वो है नहीं, तो तुम्हारे भाई के पास भी नहीं है, मतलब मेरे पास बस 5-10 होंगे, इतना ही है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। तो यहां पर मैं तुम लोग को ना कुछ तरीका बताया था जिससे तुम लोग जल्दी जल्दी कलेक्ट कर पाओगे। तो देखो ये जो हमारा इवेंट चलेगा ना, अभी जो हमारा इवेंट चल रहा है ये वाला BTS वाला, ये चलने वाला है 16 तारीख तक, 16 अप्रैल तक चलेगा, आज 2 अप्रैल है एंड 14 दिन का टाइम है। अगर तुम लोग डेली 10-10 भी कलेक्ट करते हो ना फिर भी आराम से 140 टोकन हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। कैसे कैसे मिलेगा, CS में मिल सकता है या फिर लोन एल्फ खेल लो, जो भी खेलने का मन है बस आराम से खेल के वहां पर टोकन कलेक्ट कर लेना। एंड 9 तारीख को, ठीक है, 9 तारीख को हमारा पीक डे रहेगा, 9 तारीख डेट याद रखना, उस दिन हम लोग को ना 4-4 करके मिलेगा, ठीक है, मतलब 4 BTS क्रिस्टल टोकन मिलेगा पर गेम खेलने के बाद, मतलब CS खेलने के बाद तुम लोग को 4-4 टोकन मिलेगा, तो उससे भी गाइजर तुम लोग यहां पर कलेक्ट करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। 9 तारीख को आराम से तुम लोग यार करीब 25 गेम खेलोगे ना तो आराम से तुम लोग का वहां पर जो क्रिस्टल टोकन है वो आराम से कलेक्ट हो जाएगा। अभी चलो यार यहां पर मैं तुम लोग को बता देता हूं कि यार यहां पर एक और तुम लोग को फ्री में मिल सकता है BTS क्रिस्टल टोकन। अब वो कैसे मिल सकता है मैं तुमको बताता हूं, पहले तो मैं तुम लोग को बता दूं कि कुछ दिनों के अंदर हम लोग का फिर से एक फेडेड रूल आएगा जिसके अंदर यहां पर मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं इस टाइप का जो इमोट है गाइज ये तुम लोग को देखने को मिलेगा, काफी रंग बिरंगे टाइप का इमोट है। एंड साथ में गाइज यहां पर तुम लोग को देखने को मिलेगा BTS क्रिस्टल टोकन, इसमें भी स्पिन करके तुम लोग निकाल सकते हो, इसमें वैसे चांस तो है तुम लोग का निकलने का, अभी देख लो इसमें करीब कितना लग जाएगा, शुरू में वही 500 डायमंड के आसपास में तुम लोग को निकल जाएगा। एंड स्टोर के अंदर भी ऑफ आने वाला BTS क्रिस्टल टोकन पे, लेकिन भाई जो यहाँ पर मेन है जो कि मतलब लगभग समझ लो फ्री में मिलने वाला वो है गाइज यहाँ पर हमारा वो व्हील ऑफ डिस्काउंट इवेंट। व्हील ऑफ डिस्काउंट इवेंट तुम लोग को 10 तारीख के दिन देखने को मिलेगा, 10 अप्रैल के दिन, उस दिन तुम लोग ने यहाँ पर क्या कर सकते हो कि स्पिन करोगे ना तो वहाँ पर एक डायमंड के अंदर या फिर 75
75% डिस्काउंट में तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। 75% डिस्काउंट मतलब 250 डायमंड्स स्टे करके तुम लोग को डिस्काउंट मिलेगा, तो अच्छे खासे डिस्काउंट में तुम लोग ले सकते हो। एक डायमंड मिल गया तो ऑलमोस्ट वो फ्री ही है भाई, और एक डायमंड किसके पास नहीं होता, सभी के पास होता है, तो वहां से भी तुम लोग ले सकते हो, ठीक है गाइस। मैंने तुम लोग को ये सारे डिटेल बता दिए क्योंकि यार काफी बंदे पूछ रहे थे, ठीक है। FFWS के बारे में मतलब जो हमारा वर्ल्ड सीरीज होने वाला है उसके रिडीम कोड पे तुम लोग को कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, और भी गेम के अंदर इवेंट आता तुम लोग को याद ही होगा, पिछले बार भी आता, पिछले बार हम लोग को इलाइट एंड्रू मिला था, तुम लोग को याद है या फिर नहीं याद है, मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता था। तो उस टाइम पे गाइस बहुत ही अच्छे से रिवॉर्ड्स हम लोग को मिले थे, ठीक है, काफी सही से मतलब बंडल बंडल भी हम लोग को मिला था फीमेल का। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को बता दूं कि दोबारा से उसी टाइप का इवेंट आएगा जिसके अंदर बहुत सारा माल मिलेगा। उससे पहले मैं तुम लोग को ना रिडीम कोड का बताया था, ठीक है, नहीं नहीं रिडीम कोड नहीं, पहले यहाँ पर इवेंट ही दिखाता हूं। तो चलो यहाँ पर मैं तुम लोग को ना वेब इवेंट का ये जो हमारा होने वाला इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस इंटरफेस देख सकते हो, इसमें ब्राजीलियन लैंग्वेज में लिखा, मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर लॉग इन रिवॉर्ड रहेगा और टोकन को कलेक्ट करने के बाद गाइस तुम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज कर पाओगे। अब वो रिवॉर्ड्स में क्या होगा, वही FFWS का बंडल होगा, बंडल निकल के आएगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। एंड गेस व्हाट, तुम लोग को पता ही है कि भाई कौन सा बंडल मिलेगा, फीमेल का ही बंडल मिलेगा भाई, गहीना वाले तुम लोग को पता कैसे, तो फीमेल का बंडल देंगे। एंड अगर बात की जाए और सारे रिवॉर्ड्स की, तो वही कार की स्किन, बाइक की स्किन हो सकती है, एंड हो सकता है कि कुछ इमोट वगैरह भी देखने को मिल जाए। अभी फिलहाल देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। वही जो नॉर्मली तुम लोग को मिलता है ना, इमोट मिलता है, गाड़ी की स्किन, बैकपैक की स्किन, सर्वोर्ड, यही सब मिलेगा तुम लोग, उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। एंड यही है गाइस, इतना मैं तुम लोग को बता दिया। अभी चलो बताया था कि भाई यहाँ पर जो हमारा रिडीम कोड आएगा उसमें भाई तुम लोग को क्या मिलेगा, उसमें ज्यादातर चांस है कि तुम लोग को इमोट मिलने वाला है गाइस। यस, तुम लोग यहाँ पर मैं दो इमोट दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर पोस्टर दिखा रहा हूँ, इस टाइप का देख सकते हो। ये जो दोनों इमोट है ना, इन दोनों में से इमोट में से ना कोई एक इमोट गाइस तुम लोगों का गाइस फ्री में मिल सकता है, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, उसके लिए वही गहीना वाले रिडीम कोड देंगे। रिडीम कोड में सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ, तुम लोग को पता ही है, तो तुम लोग यार सब्सक्राइब करके रखना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हो तो जाकर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना जबराट गेमिंग आ जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। एंड कुछ बंदे यार इनएक्टिव हो गए टेलीग्राम पे, इनएक्टिव मत होना यार, मतलब वहाँ पर भी काफी सही सही चीज़ें बताता हूँ मैं तुम लोग को, ग्लिच वगैरह आता तो यही बताता हूँ। तो यही है गाइस, यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखना। एंड इन दोनों में से कोई एक इमोट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वही टोकन के एक्सचेंज में दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गहीना वाले ना रिडीम कोड नहीं देके डायरेक्टली इवेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं कि भाई क्या होता है आगे। तो यही है गाइस, इतना जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला था मैंने तुम लोग को बता दिया, तो होप करता हूँ तुम लोग को आज के वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।